क्या करें आप बताओ अभी। अच्छा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। कल फिर भी हमने बहुत कुछ किया, आपको पता नहीं है। पेजेस देखो, पेजेस कितने नंबर ऑफ पेजेस, सिक्स। सो वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। पेजेस देखो, पेजेस कितने। ओके चालू हो गया ना लेक्चर। ओके सो यस्टरडे वी स्टार्टेड विद अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। और आपने समझा, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट मतलब अ रिटन डॉक्यूमेंट। फिर हमने प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीखा था। बताओ प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, टू, और बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पे दो पार्टीज के नाम बताओ, मेकर एंड पे। यहां पे तीन पार्टीज के नाम बताओ, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। यहां पे क्या प्रॉमिस है और यहां पर ऑर्डर है। यहां पर मेकर वादा कर रहा है कि वो पेई को कुछ समय बाद पैसा देगा। यहां पे ड्रॉवर ड्रॉई को ऑर्डर दे रहा है कि वो पेई को पैसे दे। यहां पे मेकर की प्राइमरी लायबिलिटी है, यहां पे ड्रॉई जो एक्सेप्टर बन जाता है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी बन जाती है। यहां पे एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, बट यहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है। अब तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज विच वन, अ चेक। कौन सा? ओके सो व्हाट इज अ चेक, सुनो मेरी बात। अच्छा किसे चेक, माइक चेक। अ चेक is a kind of a bill of exchange, but now जहां bill of exchange में आप order किसी इंसान को देते हो, check में आप order आपके banker को देते हो। तो say for example मेरा account HDFC bank में है, example, और अब मैंने आपके नाम पे check draw किया है। होता क्या है, मैंने जब check draw किया है ना, it's actually a bill of exchange that I am drawing on my banker to make the payment to you। मतलब मैं अपने banker को order दे रही हूं कि ही banker इस check पे जिसका नाम लिखा है और जितना amount लिखा है उस person को आप इतना amount दे दीजिए। That's nothing but it's a check। So a check is a kind of a bill of exchange, but instead of drawing it on a person, you are drawing it on a banker, you are drawing it on a banker। Such a negotiable instrument is known as a check। अब देखो, आपने कल physical check के specimens देखे थे? अरे देखे थे क्या, नहीं देखे थे? जैसे physical checks होते हैं, वैसे ही होते हैं electronic checks। आजकल ई जमाना है, everything is done electronically। पहले जैसे कैसे physical खत लिखा करते थे, अब WhatsApp, email, मेल भी अपना ई हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। वैसे ही चेक्स फिजिकल भी होते हैं और चेक्स होते हैं इवन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक चेक ऐसा चेक होता है जो पैदा ही हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ऑब्वियसली बात है, अगर वो पैदा ही हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वहां पे फिजिकल सिग्नेचर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो वहां पे कैसे सिग्नेचर अफिक्स करोगे? स्कैनर। सिग्नेचर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देनी होती है तो कैसे करते हो आप? कैसे?
कंप्यूटर महाशय चेक बाहर आ जा, साइन कर लो, चेक ले लो, क्या होता है बायोमेट्रिक? कुछ भी बोल रहे हो, मतलब बोलने के लिए कुछ भी? कंप्यूटर पे बायोमेट्रिक चलता है आपका? हे भगवान, वेरी गुड कार्तिक, सो प्राउड ऑफ यू. सिग्नेचर जो वर्चुअल फॉर्मेट में होती है उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको किया जाता है अफिक्स. आपकी सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला आपने जवाब? अच्छा, यहां तक था, बट कैसे? उसके पहले ही आपने बोल दिया. प्रोसेस नहीं हो पाया 100% तक. सो दैट्स नोन एज अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको किया जाता है अटैच, जिसके बाद क्या होता है, माना जाएगा आपने चेक को दिया है लीगल ऑथेंटिसिटी, आपने कंसेंट दिया है, एसेंट दिया है ये चेक को इशू करने के लिए. तो वो इशू भी होता है, बनता भी है, और उसको ऑनर भी किया जाता है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. सच एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ चेक. देखो, लेट्स चेक इट आउट. अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. हाँ, बिल का ही हिस्सा है ये, बच्चा है ये. बट नाउ, जहां बिल ऑफ एक्सचेंज कोई पर्सन पे ड्रॉ हुआ करता था, अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रांकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट तो आपको समझ गया, बट वॉट डू यू मीन बाय अ ट्रांकेटेड चेक? सुनो ना मेरी बात, मेरे को आपको कुछ बोलना है. एक वीडियो में को आपको बताना है ट्रंकेशन के प्रोसेस का. सुनो ना, क्या होता है जब आप फिजिकली चेक को इश्यू करते हो, सुन रहे हो क्या मेरी बात? मैंने जैसे फिजिकली चेक ड्रॉ किया और आपको दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे? मैंने चेक आपको दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ, आप इस चेक को आपके बैंक में करते हो डिपॉजिट. बैंकर क्या करता है? क्लियरिंग सिस्टम में डालता है. आपका बैंकर मेरे बैंकर के पास आता है, वो पैसे लेता है, और फिर मेरे बैंक से आपके बैंक में पैसे जाते हैं. अब फिजिकली यूजुअली ये चेक दिया जाता है, मैं आपको देती हूं, आप आपके बैंकर को देते हो, आपका बैंकर क्लियरिंग हाउस को देता है, क्लियरिंग हाउस मेरे बैंकर के पास लेके आता है, सारा चेक फिजिकली घूम रहा है. बट देखो, फिजिकल चेक पास ऑन करने में एक तो समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, और पैसा भी जाता है. हो सकता है आपका बैंकर जो है ना, आप कौन से गांव से हो? जैसे कि शिरडी, मतलब कोपर गांव के उधर जो है शिरडी, ये शिरडी से उसकी उसका जो बैंक अकाउंट है वो शिरडी में है, मेरा बैंक अकाउंट तिलक रोड पुणे महाराष्ट्र. अब मैंने चेक ड्रॉ किया, चेक मैंने इसको दिया, इसको वो चेक को उसकी बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसका बैंकर मेरे पास आएगा, मतलब मेरे बैंकर के पास आएगा, फिर मेरा बैंकर उसके बैंकर को पैसा देगा, और फिर उसका बैंकर उसको पैसा देगा या उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा. ये सारे प्रोसेस में चेक को जब फिजिकली ट्रांसफर किया जाता है, और उसमें बीच में हमारा क्लियरिंग हाउस है, RBI है, बहुत ज्यादा समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, कुरियर का पैसा जाता है, उसमें चेक मिसप्लेस हो जाना, लॉस्ट इन ट्रांजिट, इंडियन पोस्टल सिस्टम जानते हो कितना भारी है आप, कुछ भी हो सकता है ये चीज नाउ. इसलिए कन्वीनियंस पर्पस के लिए सुनो, फिजिकल चेक को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ स्कैंड इमेज. फिजिकल चेक को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ स्कैंड इमेज, और फिजिकल चेक कुरियर ना करते हुए हम स्कैंड इमेज ट्रांसफर करते हैं. इस स्कैंड इमेज को कहा जाता है एज अ ट्रंकेटेड चेक. इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक सेम नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक चेक पैदा ही हुआ ई फॉर्म में, क्लियर भी हुआ है ई फॉर्म में, बट ट्रंकेटेड चेक ओरिजिनली पैदा हुआ है फिजिकल फॉर्मेट में. उसके क्लियरिंग के प्रोसेस के दौरान इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ स्कैंड इमेज. दिस स्कैंड इमेज इज नोन एज अ ट्रंकेटेड चेक. यहां पर डिजिटल सिग्नेचर यूज होती है कहां? इलेक्ट्रॉनिक चेक. ट्रंकेटेड चेक तो जब मैंने इशू किया था, क्या फिजिकल चेक था? क्या फिजिकल सिग्नेचर थी?
क्या यहाँ पे पेपर यूज हुआ था, बट यहाँ पे मतलब कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक चेक में कभी भी पेपर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये देखो NIFT का क्लियरिंग प्रोसेस ऑफ अ चेक, एक मिनट, बहुत फास्ट है, आप सिर्फ देखो ध्यान से। इसको फुल स्क्रीन नहीं कर सकते क्या, वापस से देखो आप, ये वो मशीन है, ये आपका फिजिकल चेक है, ये फिजिकल चेक स्कैन हो रहा है और स्कैंड इमेज में देखो कंप्यूटर में आपको दिख रहा है, फिर ये जो स्कैंड इमेज है ना ये आगे फॉरवर्ड की जाएगी, जस्ट वॉच इट केयरफुली, दिख रहा है क्या आपको, आर यू एबल टू व्यू इट, दिस देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां पे, दिस विल बी नोन एज अ, हाँ, स्कैंड इमेज, जिसको लीगल भाषा में क्या कहते हैं, ट्रांकेटेड चेक, क्या बोलते बोलो, सॉरी RIP टू योर इयर्स, इसको कहते हैं ट्रांकेटेड चेक। क्या ये ओरिजिनली बना है फिजिकल फॉर्मेट में, क्या पेपर यूज हुआ है, क्या फिजिकल सिग्नेचर यूज हुई है, ड्यूरिंग द क्लियरिंग प्रोसेस इट गॉट ट्रांकेटेड, बट इलेक्ट्रॉनिक चेक पैदा ही हुआ है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो वर्चुअल बच्चे ईयरफोन्स लेके लेक्चर सुन रहे होंगे उनके कानों में सब खून निकल रहा होगा, सो सॉरी, ठीक है, ईयरफोन्स यूज मत करना मेरी क्लास में, कभी कभार ऐसे बीच में झटके लगते हैं मुझे, कैसे मेरा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, आपको लगता होगा घर पे भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ ऐसा नहीं, घर पे मैं बड़ी नॉर्मल इंसान हूँ, यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि इस सब्जेक्ट की कमी है, मेरी नहीं, ठीक है, आ जाइए, ठीक है, सो यस, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. Okay. Check is always a demand instrument. Check is always a demand instrument. इसका क्या मतलब होता है? जब भी आप चेक को बैंक में प्रेजेंट करोगे तभी आपको उसका पैसा मिलेगा. से आपको पहला पहला चेक मुझसे मिला है, आप बहुत खुश हो, बस इस चेक को अपने पास ही लेके घूम रहे हो, क्लास में, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, सोते नहाते सब कुछ, क्या अचानक से एक दिन आपको उसके पैसे मिल जाएंगे कि रात को पिलो के नीचे रखा, अगली सुबह अरे बाप रे वाह क्या सिस्टम है, चेक गायब, पैसे आ गए, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं. तो होता क्या है, चेक के केस में जब तक आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, डिपॉजिट करना यानी उस चेक का पेमेंट डिमांड करना, तब तक आपको उस चेक का पेमेंट नहीं मिलता. देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, कभी कभार देर इज अ मैच्योरिटी पीरियड. मैच्योरिटी पीरियड म्हणजे काय, जब तक, जो जैसे प्रोमिसरी नोट में लिखा था, जैसे कल के एग्जाम्पल में, आई प्रोमिस टू पे यू 10,000 rupees आफ्टर 5 months. जब तक 5 महीने नहीं हो जाते आप ये प्रॉमिसरी नोट को एनफोर्स नहीं कर सकते, इसका पेमेंट आप डिमांड नहीं कर सकते. बट जहां तक चेक की बात है, आज मैंने आपको चेक दिया, अगले ही पल आप अगर चाहो इस चेक को अपने बैंकर के पास डिपॉजिट कर सकते हो और आपको उसका पेमेंट मे बी इन अ डे और टू, आजकल तो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में तो आपको पेमेंट मिल ही जाता है, इवन इफ इट इज एन आउटस्टेशन चेक. मैं पुणे ये शिरडी, फिर भी 2 दिनों में इसको पेमेंट मिल जाएगा. सुन रहे हो क्या मेरी बात? सो चेक इज पेएबल ओनली व्हेन द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई. तो देखो हमने सेंटेंस कैसे शुरू किया, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 parties होती है, कौन से, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, कौन कौन, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई नॉर्मल पर्सन है, बट चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है, बैंकर, कौन होता है, किसका बैंकर, मेरा बैंकर या इसका बैंकर, मेरा बैंकर. अरे मैं इसके बैंकर को कैसे ऑर्डर दूंगी, हाँ ना, कि तुझे ही पेमेंट करे, मैं तो मेरे बैंकर को ऑर्डर दूंगी ना, क्योंकि मेरा पैसा मेरे बैंकर के पास है, मैं उसको बोलूंगी ये जो पैसा पड़ा है ना ये तुम इसको दे दो 10,000 रुपए. मैं अपने बैंकर को ऑर्डर देती हूं,
मेरा जो बैंकर है, मैं मतलब कौन, ड्रॉवर, अरे बोलो ना, डिड आई ड्रॉ द चेक, हु एम आई, मेरा बैंकर, ड्रॉई बैंक, मेरा बैंकर, और ये कौन है, पेई, क्योंकि इसको पैसा मिलने वाला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों में भी कितनी पार्टीज है, थ्री पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी पर्सन होता है, चेक के केस में कंपल्सरीली ड्रॉई कौन होता है, बैंकर। किसका बैंकर, ड्रॉवर का या पेई का, ड्रॉवर का बैंकर, क्योंकि मैं अपने बैंकर को ऑर्डर देती हूं कि इसको 10,000 रुपए तुम दे देना। कब देगा मेरा बैंकर इसको 10,000 रुपए, नहीं, जब ये चेक प्रेजेंट करेगा, मैंने जब चेक इसको दिया है तब नहीं, ये तो इसको महीने बाद अपने पास ही ऐसे से लेके घूमेगा, तो इसको पैसा नहीं मिलेगा। इसको पैसा तब मिलेगा जब ये चेक को क्या करेगा, जमा, मतलब जमा करना मतलब क्या, प्रेजेंट करता है, तभी इसको पेमेंट मिलता है। अरे हो कि नहीं, वेरी गुड। और यहां पे वही बताया, चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ये सब उसकी वो टेक्निकल भाषा है, इज अ चेक ड्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सोर्स साइंड इन अ सिक्योर्ड सिस्टम विथ अ डिजिटल सिग्नेचर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक हो या रियली टाइप्स। चेक मीन्स अ चेक ड्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विथ अ डिजिटल सिग्नेचर। बाकी इतने डिटेल में ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट ये खुद कहता है कि ये कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब की डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जो आईटी एक्ट में दी गई है। तो अब आईटी एक्ट आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आपने नहीं किया तो भी चलेगा। बट ट्रांकेटेड चेक मतलब क्या, ऐसा चेक जिसको क्लियरिंग साइकिल के दौरान हमने इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट किया है, जिसके बाद अब फिजिकली ये चेक का मूवमेंट नहीं होगा। अब मूवमेंट होगा तो किसका होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज का, वो स्कैंड इमेज का, आपको दिख रहा था ना वो पीसी पे, तो ऐसे वो स्कैंड इमेज को क्या कहते हैं, ट्रांकेटेड चेक। कौन कर सकता है ट्रांकेशन, कोई भी कर सकता है, इसका बैंकर कर सकता है, क्लियरिंग हाउस कर सकता है, मेरा बैंकर कर सकता है, जिसको जब लग रहा है कि फिजिकल फॉर्मेट नहीं, नहीं यार, ट्रांकेट कर लो और ट्रांकेटेड इमेज को आगे आप ट्रांसफर करो। ये एक्सप्लेनेशन टू और एक्सप्लेनेशन थ्री भी करने की जरूरत नहीं, इसको भी कट कट, यहां तक कट कर दो। सो अ चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज, बट नाउ अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये चेक का स्पेसिमेन है, ये तो मैंने आपको कल फिजिकली दो दो चेक्स बताया है। आपने देखा है कभी, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अ बैंक अकाउंट, ओके वेरी गुड, व्हाट, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट, वंडरफुल। सो व्हाट, हाउ कम यू ऑल आर सेविंग, हु इज गिविंग यू मनी, पेरेंट्स, पॉकेट मनी, गुड, नाइस। सो बताओ, टेल मी, तीन पार्टीज बताओ चेक के केस में, अरे बोलो ना, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। हाँ, ड्रॉवर कौन है, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, ड्रॉई कौन है, हमारे चेक के केस में ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट देने के लिए। और पेई कौन है, पेई, अरे बोलो ना, बोलो, द पर्सन हुज नेम इज रिटन इन द इंस्ट्रूमेंट to whom money is directed to be paid is known as the payee। मुझे एक important चीज आपको बतानी है, bill of exchange में primary liability किसकी थी, अब गलती मत करना, अंकिता, निकिता और संजना के केस में primary liability किसकी थी,
हाँ निकिता, निकिता कौन थी? ड्रॉई. कौन? उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी थी. प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी थी? ड्रॉई की. अरे बोलो ना. चेक के केस में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी? देखा ना. बैंक को ही अभी तुम ले लो, डूब जाएगा देश. मैंने अगर इसको 10,000 रुपये देने हैं भाई, किसकी लायबिलिटी होगी? मेरी लायबिलिटी होगी. चेक के केस में इट्स द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर. बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इट्स द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई. चेक के केस में सुनो मेरी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पैसा मेरा पैसा है जो मैंने मेरे बैंक में डिपॉजिट किया है. बैंकर सिर्फ मेरे बिहाफ पे पैसा दे रहा है. बैंकर सिर्फ मेरे बिहाफ पे पैसा दे रहा है. लायबिलिटी किसकी है? बैंकर की नहीं, मेरी. मुझे इसको 10,000 देने हैं. तो प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉवर की होती है. एक्चुअली यहां पे कंडीशनल नहीं आना चाहिए, अनकंडीशनल आना चाहिए. ड्रॉवर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है. दिस इज अ मिस्टेक इन द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल ओनली. हर्ष मूलचंदानी, आप आवाज कम कर सकते हो. यूट्यूब में ना बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, 0 to 10 का वॉल्यूम का ऑप्शन है. फीचर्स एक्सप्लोर करो आप, है ना हर्ष? अगर आपको लग रहा है आवाज ज्यादा है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हमको यूट्यूब ने दिए हैं टीचर्स. ठीक है, इसलिए टीवी का भी बेटा रिमोट होता है ना, जब एड आती है कैसे आवाज अचानक से बढ़ जाती है, और जब सीरियल चलते रहता है मूवी चलती रहती है तो आवाज कम रहती है. रिमोट क्यों दिया है बेटा? आपको तकलीफ ना हो इसीलिए. उसमें एक वॉल्यूम का बटन भी है. ठीक है. आज कुछ तो हुआ है मुझे. चलो आ जाइए. यस, वॉट आर द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक? कम ऑन गाइज, यार, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अ चेक इज अ सारे फीचर्स जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के थे, क्या वो यहाँ पे भी हो गए? बताओ मुझे, मतलब क्या चेक में भी ऑर्डर होता है? कौन किसको ऑर्डर दे रहा है? ड्रॉवर ड्रॉई को. बट ड्रॉई कौन है? बैंकर. क्या ऑर्डर होना चाहिए टू गिव अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ओनली? क्या मनी सर्टेन होना चाहिए? क्या साइंड होना चाहिए? साइन कौन करेगा? ड्रॉवर. सिर्फ एक डिफरेंस, मतलब एक तो ऑलरेडी बोल दिया वो ड्रॉई का, और एक डिफरेंस है यहाँ पे स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है. कहाँ पे? चेक. बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट पे स्टैम्प की जरूरत होती है. चेक के केस में स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है. चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. पता है ना आपको, चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, वेर एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. ठीक है. और सबसे मेन चीज तो यही है, अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज मस्ट मतलब मैंडेटरी पेएबल ऑन डिमांड. ओके, आ जाइए. क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स चेक इट आउट. आ जाओ आपके नोटबुक में. मैं क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा करवा रही हूं, मैंने आपको पीपीटी कल बताया तो था, बट राइट नाउ वील जस्ट ड्रॉ इट इन द बुक्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट टुगेदर ओनली.
नहीं पेज पे आना प्लीज, चिंदीगिरी मत करना। कम टू अ फ्रेश न्यू पेज। कम ऑन गाइज, लेट्स चेक इट आउट। हेडिंग दीजिए आपके फ्रेश न्यू पेज पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इफ पॉसिबल कैन यू जस्ट होल्ड इट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ऐसा ऐसा, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल, ये एच है ना, हॉरिजॉन्टल। महसूस कीजिए, ओ यही कनेक्ट नहीं किया मैंने। हॉरिजॉन्टल एच, ऐसे ऐसे पकड़ना है बुक्स को, ठीक है। कोई बोलता है ना वर्टिकल वर्टिकल, ऐसे मेमोरी टेक्निक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। स्कूल में टीचर्स ने नहीं सिखाया आपको नाइन प्लैनेट्स के लिए मेमोरी टेक्निक? माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लैनेट्स, रेनबो के कलर्स, विबग्योर, बस डायरेक्टली इधर ही चाह गए अपन, बहुत होशियार। स्कूल में आप लोगों को मेमोरी टेक्निक्स नहीं पढ़ाते थे? स्कूल में क्या किया है? रट्टाबाजी तो की है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, क्या किया है आपने? समझ के लर्न किया है? बता पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ था? क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कम ऑन गाइस। वर्चुअल बच्चे तुरंत गूगल कर रहे हैं। ओके, हाँ, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट जो है किसको दिया जाने वाला है? ऑफ कोर्स पे ही को दिया जाने वाला है, अग्रीड, बट ऑफ कोर्स कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रू द पेमेंट इज गोइंग टू गो टू द पे, बट हु इज गोइंग टू बी द पे वो डिपेंड करता है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, इज इट अ बेरर इंस्ट्रूमेंट और इज इट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? Is it a bearer instrument or is it a order instrument? मैंने कल ही बताया था, सानिया का example बताया था, bearer मंजे का है बोलो, bearer instrument में पी का नाम नहीं लिखा होता है, बोलो ना मेरे को, नेम ऑफ द पे इज ब्लैंक। हां, पे का नाम ब्लैंक है, पे डैश अ सम ऑफ रुपीज 10,000 फिगर्स में, वर्ड्स में, डेट और साइन, ज़ाला, क्या ये चेक ब्लैंक चेक है? यहां पे का नाम नहीं लिखा है, ऐसे चेक को क्या कहेंगे? बेरर चेक। तो बताओ ऐसे चेक का पेमेंट किसको मिलेगा? अभी पे ही मत बोला, मार खाओगे। ऐसे चेक का पेमेंट जिसके हाथों में चेक है, मतलब द वन हु हैज द पोजेशन विल गेट द पेमेंट। जिसके पास चेक का पोजेशन है,
क्या उसी को पेमेंट मिलेगा? ऐसे चेक को कहते हैं बेरर चेक। अब आप बताओ, ऐसे चेक को अगर ट्रांसफर करना है आप कैसे ट्रांसफर कर लोगे? सिर्फ डिलीवरी या डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट? सिर्फ डिलीवरी या डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट? अरे बोलो ना। यस, वेरी गुड। सच चेक्स कैन बी नेगोशिएटेड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। तो आप नीचे लिख दो, सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर, मतलब सिर्फ डिलीवरी से। जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसी को माना जाएगा एज द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में, हाँ अग्रीड, डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट होता है। ऐसा क्यों? कल मैंने बताया था एके टेक्नोलॉजीज, यहां पे क्या आपने पीई का नाम मेंशन किया है? सो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? द नेम ऑफ द पेई इज स्पेसिफाइड, द नेम ऑफ द पेई इज स्पेसिफाइड। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको ट्रांसफर करना है आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। वेरी गुड। Don't talk. Very good, Rashi. Side हो जाऊँ क्या मैं? एक बार देख, तो साइड होना जरूरी है मुझे, मैंने जो लिखा है कर लिया ना? ठीक है, खड़े खड़े अपने को साइड में कर देता हूँ। डन। अरे बोलो ना। दूसरा क्लासिफिकेशन, कैन आई मूव अहेड? Is on the basis of where is the instrument payable? दो टाइप्स है इसके, इनलैंड एंड फॉरेन। इन लैंड, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड इनलैंड
नहीं इतना ही है, बट इसमें इनलैंड और फॉरेन में बहुत कुछ है, और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऐसे एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस पूछ के आपको पूछ सकता है इनलैंड है या फॉरेन है। बेरर और ऑर्डर पे तो इंस्टीट्यूट को पता है सभी को जवाब आएगा, इनलैंड और फॉरेन का एक चीज है जो इंस्टीट्यूट आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सुनो मेरी बात, आपने देखी वो पिक्चर? नहीं, आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो गए। एक शाहरुख खान की पिक्चर है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ओके सुनो मेरी बात, इनलैंड दिस इज इंपॉर्टेंट ना, इनलैंड वाला सुनो 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 सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। देखो जब मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करती हूं ना, आप समझ लो आपके दिमाग में तीनों इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। एनआई बोला मतलब तीनों, अज्यूम कर लो। तो कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या तो चेक, इन शॉर्ट कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इफ इट इज ड्रॉन, इट इज ड्रॉन और इट इज मेड इन इंडिया, इट इज वन ड्रॉन इन इंडिया। ड्रॉन और या तो फिर मेड, चेक को ड्रॉ करते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हो, प्रॉमिसरी नोट को मेक करते हो, ठीक है। इट इज ड्रॉन इन इंडिया एंड मतलब मेरे को दोनों कंडीशंस पूरे चाहिए या दोनों में से एक भी चल जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट सुनो मेरी बात, इट शुड बी पेबल इन इंडिया। सुनो सुनो, खत्म नहीं हुआ है अभी तक। और इट शुड बी पेबल अपॉन अ पर्सन, हु इज यस रेसिडेंट इन इंडिया। यहां पे एंड है और यहां पे और है, काय चल रहा है। पहली बात तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए दो कंडीशंस एक साथ पूरे होने चाहिए, जिसमें से पहला कंडीशन दैट द इंस्ट्रूमेंट शैल बी ड्रोन इन इंडिया। अब दो के दो बच्चे हैं, पहला तो अपने को चाहिए ड्रोन इन इंडिया, दूसरे में से कोई भी एक चाहिए, तो माना जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इनलैंड। पहले वाले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पहला वाला इट शुड ऑलवेज बी, अरे बोलो ना, ड्रोन इन इंडिया। और दूसरे में से दो है, कोई भी एक भी मिल गया, दोनों मिल गए तो क्या बात है, बट कोई भी एक भी मिल गया तो भी माना जाएगा। कम ऑन गाइस, मैं ही कूद जाते हो ऐसे मतलब गलत जवाब देने का कॉन्फिडेंस बहुत भारी है तेरा, बहुत भारी। बस इतना कॉन्फिडेंस अपने को मिल जाए, ठीक है। फर्स्ट वाला, इट शुड ऑलवेज बी ड्रॉन इन इंडिया, और दूसरे वाले में से कोई भी एक भी कंडीशन पूरा हो गया, दोनों पूरे होते हैं तो क्या बात है, इनलैंड है। बट वो दोनों में से एक भी पूरा हुआ ना, तभी भी इनलैंड है। हमने कहा है दो कंडीशन पूरे होने चाहिए, पहले वाला में इट शुड बी ड्रॉन इन इंडिया, दूसरे वाले में इट शुड बी पेएबल इन इंडिया और इट शुड बी पेएबल टू अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। मुझे बताओ, एक मिनट सुनो ना मेरी बात। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं नीचे लिख सकती हूँ उधर, आप मेरे को बताओ, ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाई है इन फेवर ऑफ बी, ए कहाँ के है, पुणे के है, बी कहाँ है, दिल्ली के है,
इंस्ट्रूमेंट बनाया कहा था? पुणे में. प्रॉमिसरी नोट है ना, ए नहीं, प्रॉमिसरी नोट कहां बनाई? पुणे में. इज द इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया? इज इट ऑल्सो पेबल इन इंडिया? ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड या फॉरेन? बोलो ना. व्हाई? बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया एंड इट इज पेबल इन इंडिया. क्या समझा, इनलैंड या फॉरेन? नेक्स्ट, एक 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 मेरे को बताते जाओ. एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड बाय मिस्टर एक्स से बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल टू मिस्टर वाई. एक्स ने ये इंस्ट्रूमेंट को बनाया है जयपुर में एंड इट इज पेएबल ऑन अ पर्सन हु इज मिस्टर वाई एंड वाई इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. हाउएवर वाई ने बोला था इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट जो है ना, पेमेंट मेरे को दुबई में करो. आप बताओ, एक मिनट एक मिनट, आराम आराम से. इज द इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया? इज इट पेएबल इन इंडिया? नो, इट इज पेएबल इन दुबई. बट इज इट पेएबल अपॉन अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया? तो बताओ, इनलैंड या फॉरेन? वेरी गुड, दिस इंस्ट्रूमेंट विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. कुछ समझ में आया? पक्का? तीसरा, तीसरा केस. मिस्टर पी, पी कहां रहते हैं? ही स्टेज इन कोलकाता. ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कोलकाता ऑन मिस्टर क्यू. क्यू कहां पर है? लंदन में. ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब पी ड्रॉवर हो गए. He drew a bill of exchange on Q. Q क्या ड्रॉई है? अरे बोलो ना. And Q QR को ऑर्डर दिया था कि मेक द पेमेंट ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज टू R. R कहां रहते हैं? आगरा में. R कहां रहते हैं? Is this bill drawn in India? But is it payable to a person residing in India? Is it payable to a person residing in India? In fact, it is payable in India only. दोनों भी condition पूरे हो रहे हैं. Payment करने वाला भले ही कहां का होगा, London का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्या वो पेमेंट दे रहा है आगरा में इंडियन रुपीस में टू आर, जो इंडियन इंसान है, जो रेसिडेंट है? तो आप बताओ, इनलैंड या फॉरेन? दिस इंस्ट्रूमेंट विल ऑल्सो बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. हाँ या ना? बोलो ना. पक्का? चलो, तो फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? यहां पे लॉ मेकर कहते हैं एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. लिख लो ये. डन? वेरी गुड संजू,
श्रुति, शिवानी, जिंकल, गुड, डन, just let me know once you are done with the writing part. इतना लिखी हो गया? Examples लिखोगे of inland instruments? जगह नहीं है, बना लो जगह. अच्छा, मैं कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहती हूँ. ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? न्यूयॉर्क के कोई बंदे ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है सिंगापुर के बंदे के फेवर में. उनके बीच में कुछ ट्रेडिंग हुई थी. इनलैंड या फॉरेन? इसमें इंडियन लॉ अट्रैक्ट भी नहीं होता है. वहां पे क्या हो रहा है हमको कोई भी लेना देना नहीं. अच्छा, बट कोई इंस्ट्रूमेंट न्यूयॉर्क में बनाया है. न्यूयॉर्क में इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड इन न्यूयॉर्क बट इट इज पेएबल टू मे बी इन इंडिया टू उर्फी. इंडियन और फॉरेन? पेएबल टू उर्फी, अपनी इंडियन है बट इट इज मेड इन न्यूयॉर्क. हाँ, सपोज एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज पेएबल इन सिंगापुर. बोलो. बट सिंगापुर में इट इज पेएबल टू अ पर्सन हु इज एक्चुअली अ रेसिडेंट इन इंडिया, सिर्फ हैड गॉन टू सिंगापुर फॉर 3-4 days फॉर हॉलीडे. पेमेंट दिया जा रहा है इंडियन रेसिडेंट को, बट इज इट मेड इन ऑस्ट्रेलिया? वहीं पे आउट हो गया. वहीं पे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. मैंने आपको बताया ना, पहले वाले के लिए कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तब होता है व्हेन इट इज मेड इन इंडिया. वेरी गुड ऑल द वर्चुअल किड्स. गुड वैष्णवी, मनोज, शिवम, शिवानी, मुस्कान, नंदिता, प्रिया, फिल्म ट्रेड. कौन है भाई ये? स्पैम कर रहा है फिल्म ट्रेड. टिल्लू, तू टिल्लू, जो बोलता है वही होता है. ठीक है, आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक्स पे आ जाओ. इतना कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट. So what's a bearer instrument? Come on guys, बताओ. bearer instrument ऐसा instrument होता है जहां पे पेई का नाम लिखा नहीं होता है. It's blank. ऐसे instrument को अगर आपको negotiate करना है, can you negotiate it by mere delivery? अरे बोलो. But order instrument जो होता है is an instrument which is payable to a person. ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको एंडोर्स करना है कैसे करोगे? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट आ जाइए. अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट.
विच इज मेड इन इंडिया एंड 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 पेबल इन इंडिया, या तो फिर मेड इन इंडिया एंड ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. और जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है, नीचे कहीं लिखा होगा, विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो कैसा है? कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से आप पढ़ना, एक एक मार्क के लिए ऐसा 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे और बन जाएगा 4 मार्क का सवाल. समझ रहे हो क्या आप? बताओ, अ प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता एंड पेएबल इन मुंबई. अरे नो ब्रेनर है ये, इट्स एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. हाँ, बट ऐसे ये 2, 3, 4, 5 वाले एग्जाम्पल थोड़े से दिमाग लगाने पड़ेगा. अच्छे गुड क्वेश्चंस ये मैं बहुत अच्छे से, मतलब इंटर के बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैंने आपको बताया ना, इंटर के सिलेबस में पूरा एक्ट था ना, देर आर मोर देन 140 सेक्शंस इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. आप सोचो 140 सेक्शन का ये एक्ट है. तो ये तो जो आपको फाउंडेशन लेवल पे ना, इट्स जस्ट ऐसे हल्की सी झलक टाइप, मतलब पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त टाइप्स. तो ये सब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सब ऐसे इट्स लाइक एकदम इजी इजी टाइप्स, और वो सिर्फ मलाई वाला पोर्शन है आपको फाउंडेशन पे. बट फिर भी आपको पता है मेरी आदत है हर चीज़ को एकदम डिटेल में कंसेप्चुअली थरली पढ़ाया जाए, तो बच्चों को लगता था मैम क्या इनलैंड फॉरेन और ये सब पढ़ा रही है, वो जो ऐसे डिफिकल्ट सेक्शंस और ऐसे मतलब वो टेक्निकल प्रोविजंस और उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसको ऐसे फटाफट ऐसे शॉर्टकट मैनर में, ऐसे बहुत आदत होती है ना, ऐसे टीचर्स को भी ऐसे आदत होती है, ऐसे शॉर्टकट मैनर में ऐसे कर लेते हैं, और स्टूडेंट को भी मजा आता है ना, वाई टेक द लॉन्ग रूट व्हेन देयर इज अ शॉर्टकट टाइप्स, क्योंकि इवेंचुअली हर किसी को अगर ऐसा लगता है कि कम पढ़ाई करके अगर मार्क्स मिल गए तो अच्छी बात है, बट दैट्स जस्ट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. ऐसा इंस्टीट्यूट के साथ नहीं होता है, ये मैं आपको बोल देती हूँ, बीकॉम लेवल में हो सकता होगा. तो मेरी आदत थी कि इन टॉपिक्स को भी ऐसे काफ़ी डिटेल में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना, ऐसे एक एक चीज़ के लिए ऐसा एग्जाम्पल देना, सवाल पूछना, काउंटर क्वेश्चन करना, तो ऐसा होता था. और सच में यू विल नॉट बिलीव कि इंस्टीट्यूट ने मतलब जैसे 3 अटेम्प्ट पहले, इंटर की मैं बात कर रही हूँ, इसके ऊपर ये 5 भी एग्जाम्पल्स 5 मार्क के लिए पूछ लिए, 1, 1, 1, 1, 1 मार्क ईच. और उसके बाद एवरी अटेम्प्ट में इसके ऊपर एमसीक्यू तो आता ही था, समझ रहे हो आप? तो यू कैन नॉट एवर प्रिडिक्ट कि इंस्टीट्यूट की सोच क्या है. देखो, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनको हर बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है, बट जो टॉपिक्स इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रही है वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में उनको पूछने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. आप ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि ये बेसिक चीज है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्या ही सवाल पूछ लेगा, ये प्रैक्टिकली बहुत रेलिवेंट है तो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल पूछेगा. ऐसा कोई ट्रेंड खरा नहीं उतरता है फॉर दी आईसीआई. आप लोग जानते हो कुछ समय पहले ही बोर्ड ऑफ स्टडीज चेंज हुआ है, पता है ना आप लोगों को? बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो नए मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है रिलेटिंग टू द कोर्स, और आपने देखा भी होगा, पर्टिकुलर इन अ गुड सेंस. आपने देखा भी होगा पिछला अटेम्प्ट का सीए फाउंडेशन 15 दिन से पोस्टपोन हुआ था और 31 दिसंबर से एग्जाम चालू हुई थी. ऑलमोस्ट नॉट इवन 15 दिन से, बट बहुत दिनों से पोस्टपोन हुआ था, बट 10-15 दिन से पोस्टपोन हुआ था, बट फिर भी उनका रिजल्ट जो नॉर्मली आना चाहिए था वैसे ही समय पे उनका रिजल्ट आया. और इंटर फाइनल फाउंडेशन सभी का रिजल्ट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेड डेट के पहले ही अनाउंस कर रहा है. सब लोग बोल रहे थे इंटर के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन होगी, इलेक्शन है पोस्टपोन होगी. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन के वक्त इंस्टीट्यूट ने कभी पोस्टपोन नहीं किया है. बताओ मुझे इस बार क्या हो रहा है? आपके आंखों के सामने की घटना है. कब हो रही है एग्जाम्स, मई या जून, इंटर और फाइनल? बताओ, मई. हुई क्या पोस्टपोन? एक दिन से भी नहीं हुई, सिर्फ 2 पेपर को छुट्टी मिल रही है, टैक्स और ऑडिट, दैट्स इट. उसके अलावा एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हुई है, अकाउंट्स उसी दिन पे है, लॉ उसी दिन पे है, टैक्स को बस 3 दिन छुट्टी मिल रही है, बाकी एफएमएसएम और
आपका ये क्या बोलते हैं कॉस्टिंग उसी दिन पे, सिर्फ ऑडिट को ग्रुप टू में छुट्टी मिल रही है, एक्स्ट्रा दिन 3 दिन की छुट्टी, बट एग्जाम जो है ओवरऑल पोस्टपोन नहीं हुई है. सो इंस्टीट्यूट इज बिकमिंग वेरी पर्टिकुलर. शॉर्टकट अगर आपने सोचा, दिस इज नॉट ओनली फॉर फाउंडेशन, आई एम टेलिंग यू एज योर मेंटोर, एज योर फ्रेंड, एज योर गाइड, चाहे इंटर है या फाइनल है, आप जो भी कर रहे हो डिसीजन उस हिसाब से लेना कि शॉर्टकट बोल के अगर करोगे तो आप फंसोगे, फिर आपको 6 महीने की लग जाएगी, या जो भी आपके लिए हो सकता है 4 महीने की लग जाएगी. अगर 3 बार अटेम्प्ट हो रहा है तो, पहली बार ऐसा हो रहा है, 3 बार अटेम्प्ट हो रहा है, प्लस पहली बार ऐसा भी हुआ कि पैरेलली ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स नहीं चल रहा है. नहीं तो यूजुअली जब ओल्ड टू न्यू शिफ्ट होता है, कुछ अटेम्प्ट के लिए दोनों भी एग्जाम्स रन होती है, ओल्ड भी और न्यू भी. सो दीज पीपल हैव बिकम वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी स्मार्ट, एंड दे आर लाइक वट एवर कमिटमेंट्स दे आर गिविंग, वो वैसा टाइप का ना डायलॉग हुआ अक्षय कुमार का, एक बार जो मैंने कमिटमेंट दे दिया फिर मैं खुद की भी नहीं सुनूंगा, सलमान का है, हाँ ठीक है सलमान भाई का, जो भी है कोई तो बॉलीवुड मूवी का है वैसी, हाँ जो ये बड़ा आपको पता है किसकी मूवी है, कौन सा इसका है, पब पूछ लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई सेक्शन जाएगी बत्ती गुल. सो वैसा टाइप का इंस्टीट्यूट हो गया है. सो एनी वन हु इज प्रॉमिसिंग यू के शॉर्टकट है, ये इतने में हो जाएगा, इतना सारा करने की क्या जरूरत है, ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं. दिस इज ओनली अ फील गुड फैक्टर. अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, आप पूछ सकते हो आपके उन दोस्तों से जो इन्होंने फाउंडेशन फेल हो गए ई अटेम्प्ट में, आप पूछ लो उनसे, लॉ के लिए आप खास पूछ लो, कहां कहां कौन से कोने से इंस्टीट्यूट ने सवाल उठा के पूछे नहीं है. ये अपने आप में बताता है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप काफी डिटेल में पढ़ाई करो. सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए और सेट कर दिए हैं, आप इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को नहीं गिरा सकते हो. आपकी जिम्मेदारी है दैट यू कीप अप विद द स्टैंडर्ड ऑफ द ICAI. आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है. इंस्टीट्यूट को गाली देके खींच के नहीं लाना है, बच्चों की आदत ही होती है इंस्टीट्यूट के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने, इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, इंस्टीट्यूट ने वैसा किया, इंस्टीट्यूट बड़ा अनफेयर. व्हाई विल द इंस्टीट्यूट बी अनफेयर? जो भी है ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज है, ये सभी के लिए हो रही है, आपसे प्यार और उससे खुन्नस ऐसा नहीं है. जो भी इट इज फॉर ऑल द किड्स हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन. सो आपको आपका लेवल अप करना है और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है और एग्जामिनेशन देना है. ठीक है, आ जाइए. देखो ये वर्चुअल बच्चे वही बोल रहे हैं, गौरी सही में मैम आप जो कह रहे हो एकदम सही है, मैंने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया था. भोजराज भी वही कह रहा है, यस मैम इसी गलती के वजह से मेरे को 37 मार्क्स मिले लॉ में. निमित भी, सिद्धार्थ भी, पाटिल साहेब भी, प्रिंस शर्मा भी, देख लो आप सारी चैट. सो इट्स नॉट समथिंग के मैं आपको डरा रही हूं, धमका रही हूं, झूठ बोल रही हूं, जो सच है इट्स अ फैक्ट. एंड आप जितने जल्दी इस बात को मान लोगे आपके लिए उतनी अच्छी बात होगी. देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. और कोई अगर आपको ऐसी बातें बोल के लुभा रहा है तो ये आप झूठ के जाल में फंस रहे हो. आप उन बच्चों से भी पूछ सकते हो जिन्होंने क्लियर किया है, और उन बच्चों से भी पूछ सकते हो, उन बच्चों से तो आप पूछ ही सकते हो, वो सामने ही बैठे रहते हैं, और उनसे भी पूछ सकते हो जो क्लियर नहीं हो पाए. दे विल टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि वो इसी चक्रव्यूह में फंसे थे और उनकी बाद में बैंड बजी थी. आ जाइए, कम ऑन गाइस. हाँ, देखो अब बिल ड्रॉन इन वाराणसी, बिल को ड्रॉ तो किया है वाराणसी में, मतलब इज इट मेड इन इंडिया? वाराणसी पता है ना आपको, हाँ, बनारस, काशी. ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, खत्म है बात, रेसिडेंट इन इंडिया में खत्म. ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट इज स्टेटेड दैट इट इज पेएबल इन सिंगापुर, ये आपको गुमराह करने के लिए बोला है.
सेकंड वाले में दो बच्चे हैं, उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हुआ तो भी चलेगा. ए हु इज अ रेसिडेंट ऑफ आगरा ड्रू अ बिल, मतलब देखो इज द बिल ड्रॉन इन आगरा, सो ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा ऑन बी, ठीक है, इट इज ऑन बी हु इज अ मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, बी एक्सेप्टेड द बिल. ठीक है, अब देखो, बट इट इज पेबल इन दिल्ली. बताओ इफ इट इज ड्रॉन इन आगरा एंड इट इज पेबल इन दिल्ली, इट विल बी रिगार्डेड एज एन इनलैंड नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट, ए अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई. ओके फाइन, चलो पहला कंडीशन तो पूरा हो गया. ए ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई. ऑन बी अ मर्चेंट इन मथुरा, मथुरा भी इंडिया ही है, तो खत्म हो गए, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज पेएबल इन लंडन, इसको आपको गुमराह करने के लिए लिखा है. इज इट ड्रॉन ऑन बी हु इज रेसिडेंट इन मथुरा, कैसा होगा इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड या फॉरेन? सो इट इज इमटीरियल दैट द अमाउंट इज पेएबल इन लंडन एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ वो एंडोर्स हुआ है फ्रांस में, इधर गया उधर गया, सिंगापुर में गया, फ्रांस में गया, स्विट्जरलैंड में गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अरे भाई घूम फिर के तुम दिल्ली में ही आए हो, नहीं मथुरा ही आए हो, पूरा जग घूम कर मथुरा में ही आए हो तुम, खत्म हो गई बात. कॉम्प्लिकेट करना तो बीच में ये भी ला सकते ना, यहाँ एंडोस हुआ, वहाँ एंडोस हुआ, एंडोस होते 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 फाइनली आ गया पेएबल टू अ पर्सन हु इज इन मथुरा. इट्स मेड इन इंडिया मुंबई एंड इट इज पेएबल इन मथुरा इंडिया, क्या वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया? हाँ मुंबई में, ठीक है रेसिडेंट है एंड वेर इज इट पेएबल, नहीं तो इट्स फॉरेन, इट्स फॉरेन, सो इज एन इंडियन सिटीजन बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन. और यहां पे तो आप देख ही सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट दे आर मेड आउटसाइड इंडिया, आगे देखना भी नहीं है, देखो भी मत, वहां पे ही खत्म जाल, ये सब देखो भी मत, ये सब गुमराह करने के लिए. मेड आउटसाइड इंडिया ना, क्या ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, बरोबर. ये एक छोटा सा पॉइंट है, उसको करते हैं फिर क्लास छोड़ती हूं मैं आपको. लाइबिलिटी ऑफ मेकर एंड ड्रॉअर ऑफ अ फॉरेन बिल, सो द लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर और ऑफ अ ड्रॉअर ऑफ अ प्रोमिसरी नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट and the respective liabilities of the acceptor and the endorser is going to be regulated by the law of the place where the instrument is made payable. Iska kya matlab hota hai, suno meri baat. Koi instrument hai, suno na meri baat, which is payable outside India. Say for example, मैंने निकिता को ऑर्डर दिया था संजना को पैसे देने के लिए. संजना इंडिया में नहीं रहती, शी स्टेज इन सिंगापुर. इज इट पेएबल इन सिंगापुर? अरे बोलो ना, इट्स पेएबल इन सिंगापुर. इट्स मेड इन इंडिया बट इट इज पेएबल इन सिंगापुर ऑन अ पर्सन शी इज नॉट इवन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब तो वो सिंगापुर में रहती है, आती है बस 8-10 दिन के लिए दिवाली वगैरह के ब्रेक में. शी इज रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर एंड पेएबल इन सिंगापुर. ये इनलैंड है या फॉरेन है? फॉरेन, वेरी गुड. ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है? निकिता ने संजना को बिल दिया है एक्सेप्ट करने के बाद. संजना ड्यू डेट पे निकिता के पास आई है और निकिता ने बिल को डिसऑनर कर दिया है. निकिता ने बिल को डिसऑनर कर दिया है. निकिता ने बिल को डिसऑनर कर दिया है. अब मैं इंडिया की, निकिता इंडिया की और संजना सिंगापुर की, मैं इंडियन, ये भी इंडियन और वो
non-resident of India. She's staying in what? Singapore. अब ये बिल तो डिसऑनर हो गया. अब अगर बिल डिसऑनर हुआ है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, डिसऑनर होने के बाद ऑफकोर्स निकिता को पैसे तो देने पड़ेंगे, बट पैसे के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि डिलेड पेमेंट हो रहा है. आपको समझ रहा है? बट अब ये जो इंटरेस्ट है वो क्या रेट पे दिया जाएगा? क्या इंडियन रेट्स के हिसाब से दिया जाएगा या क्या सिंगापुर के रेट के हिसाब से दिया जाएगा? तो ये इस सवाल का जवाब दिया गया है इस सेक्शन में. हाँ, तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वेर एवर इट वॉज पेएबल, इट्स पेएबल इन इंडिया, क्योंकि ड्रॉवर ड्रॉई और पेई में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? निकिता की. ड्रॉई की. ड्रॉई कहाँ का है? इंडिया का है. तो पेमेंट कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है. तो जितना इंडिया में इंटरेस्ट का रेट है, उस रेट के हिसाब से शी विल गिव द मनी टू संजना. यही ये सेक्शन कहता है. देखो, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको दिख रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कली, सो फॉरेन में ये बिल बना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट बर्कली का 15% है. इट इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड पेएबल इन वॉशिंगटन वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. सो वेयर इज इट पेएबल? बाप रे बाप. इट इज पेएबल इन वॉशिंगटन, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%. द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया एंड इट इज डिसऑनर्ड फॉर सम रीजन. वेयर इज द इंस्ट्रूमेंट पेएबल? पेएबल कहां है? वॉशिंगटन. द एक्शन ऑन द बिल इज बॉट अगेंस्ट बी इन इंडिया, ही इज पेएबल टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. क्यों 6%? बोलो ना. बिकॉज इट इज पेएबल इन वॉशिंगटन, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेएबल है. जहां इंस्ट्रूमेंट पेएबल है वही का आपको लॉ लगेगा. वॉशिंगटन के लॉ के हिसाब से द इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन टू द अग्रीव पार्टी इज 6%. तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%. गॉट इट माई डियर स्टूडेंट्स? श्योर? 100%. ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. कल मिलते हैं. टुमारो वी विल मीट एट 4 o'clock. ओके, थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय वर्चुअल किड्स. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को एनआई एक्ट? इजी और डिफिकल्ट? ओके, बाय बाय. हैप्पी गुड इवनिंग.